गरीब परिवारों की दीपावली की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गईं जब घर में जलाए गए दीपक से तीन घरों में भीषण आग लग गई। हालांकि ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना श्रावस्ती जिले के थाना मलेहपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोला गांव के मजरा मुरचहवा गांव की है, जहां पर जोगी पुत्र प्यारे ने भी दीपावली पर दीपों की रोशनी से अपने घर को रोशन किया था और किसी कार्य से गांव में चले गए। तभी दीपों की लौ से फूस के मकान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर दो और चेतन और बावर पुत्रगण कामता के घरों को भी अपने आगोश में ले लिया। मौके पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल कादिर ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक तीनों घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। रामविलास गांव का नाम मुरचा हवा। ये बताइए, शाम को आग लगी है, कैसे लगी है, क्या है कारण? जी आग जोगी घर से लगी, बच्चे दीपक धर दिया, वही दीपक से आग लग गई। करीब कितने लोगों का मकान जला है? मकान जला जोगी गुरप्यारे, उसके बाद मंगल प्रसाद कामता, उसके बाद दिनेश चेतराम। अच्छा, ये बताइए कोई अधिकारी भी पहुंचे आपके यहाँ घटनास्थल पे? बाद में जब बुताया गया है तब 100 नंबर वाले यहाँ आए। और कोई अधिकारी? उसके बाद थाने से 2 पुलिस आए, उसके बाद पटवारी संध्या के आए थे। क्या कहें पटवारी? पटवारी ने लिखा पढ़ी कुछ किया, उसके बाद में। अच्छा, ये बताइए आप लोगों का नुकसान करीबन कितना हुआ होगा? नुकसान करीबन 1 लाख रुपया का जोगी का हुआ और करीबन 50,000 बाउर का। वही हिसाब से 1 लाख रुपया का नुकसान चेतराम, दिनेश का, हरीश का और रमेश का हुआ।